बात करते हैं रीवा की, जहां जनपद पंचायत हनुमना की ग्राम पंचायत पतुलखी छत्रपाल सिंह में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी मऊगंज के मंडल उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता दरबारी लाल मिश्रा और संचालन डीपी द्विवेदी के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि अनुराधा साकेत समूचे हनुमना विकासखंड में सबसे युवा सरपंच के तौर पर निर्वाचित हुई है, जिन्होंने ग्रामवासियों के विश्वास पर खरा उतरने के साथ ही ग्राम पंचायत के लोगों को सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं सहित सरकार की विभिन्न प्रकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाकर ग्राम पंचायत को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही है। वहीं ग्राम पंचायत सभागार कक्ष में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में तमाम ग्रामीणों ने कार्यक्रम में उपस्थित रहकर युवा महिला सरपंच को शुभकामनाएं दी है। मुझे ग्राम पंचायत पतुलखी छत्रपाल सिंह के सरपंच पद पर कार्य करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसे मैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। इस मौके पर मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि गांव एवं गांव के सम्मानित नागरिकों के विकास कार्य के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगी। नाम है एएस मिश्रा, ग्राम पतुलखी छत्रपाल सिंह, वहाँ रहने वाला हूँ, वरिष्ठ नागरिक हूँ। मेरा यह है कि युवाओं को आना चाहिए। ये आजकल युवाओं में जो आ रहा है नशाबंदी करके आज लड़के यहाँ इसमें धारा में जुड़े हैं, और सरकार की इतनी मंशाएँ, इतनी वो हैं, योजनाएँ हैं, और ग्राम पंचायत में योजनाएँ हैं। इन ये नए युवक है, इसको उस धारा में बच्चों को लाना पड़ेगा, और काम के प्रति इसको हर वरिष्ठों का सलाह ले, जो वरिष्ठ हैं उनसे सलाह, नहीं सोचे कि ये है वो है, ऐसा नहीं, सलाह पर काम करे। इसको हर एक आशीर्वाद देंगे, काम करेंगे। युवाओं का ये है कि मेरा ये आशीर्वाद है, सब अच्छा काम करें और अपने उसमें लगे रहें। युवाओं की राजनीति में सक्रियता को क्या कहेंगे? अच्छी बात है, करना चाहिए। आज युवा हर स्थान पर युवा आ रहे हैं। पतुलखी ग्राम पंचायत पतुलखी छत्रपाल सिंह में पहली बार ऐसा हुआ है कि पढ़ी लिखी और युवक महिला सरपंच बनी है। मैं इनको हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और इनसे अपेक्षा करता हूँ कि पहले से और अच्छा, सबके सहयोग से और मिलजुल के, और शासन की जितनी योजनाएं होंगी जन जन तक पहुँचाएंगे और अच्छा कार्य करेंगे, इसमें हम सब लोगों का सहयोग रहेगा। काफ़ी युवा सरपंच हैं, ये उम्र जाहिर सी बात है, युवा मौज मस्ती करते हैं, लेकिन ये कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे? जिम्मेदारियों का निर्वहन, इनको युवक हैं, मौज मस्ती नहीं चलेगी। इनको सरपंच का पद मिला है, वो अपने स्थान पे है, लेकिन जहाँ जिम्मेदारी का पद, उनका भार उनके ऊपर है, तो मेरी आशा है, मैं अपेक्षा करता हूँ, हाँ, कि मुझे आशा है कि ये अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी। बड़ा सकारात्मक कदम उठाया है कि उन्होंने अपने ग्राम पंचायत से एक युवा शिक्षित और महिला सरपंच को चुना है। यह ग्राम पंचायत के लिए काफ़ी सुखद है, और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि ग्राम पंचायत ने जिस उद्देश्य के लिए उन्हें सरपंच चुना है, वो उस उद्देश्य को पूरा करेंगी, ग्राम पंचायत का विकास करेंगी और ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी।